एक्टर की एंट्री होने वाली है फिल्म खलनायक के सीक्वल खलनायक 2 में। और फिल्म खलनायक 2 की कहानी को किस तरीके से रखा गया है तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे अपकमिंग कल्ट फिल्म खलनायक के सीक्वल खलनायक 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खलनायक बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म थी। ये फिल्म इतनी बड़ी फिल्म थी कि इस फिल्म का एक एक कैरेक्टर आज भी हम सभी के दिमाग में जिंदा है। इस फिल्म का विलन बॉलीवुड का सबसे बड़ा विलन था। इस विलन का जिक्र आज भी अगर हो तो लोगों के चेहरे पर सिर्फ स्माइल आ जाती है। ये पहली बार बॉलीवुड में ऐसा हुआ था कि किसी हीरो से ज्यादा किसी विलन को चाहा गया हो, किसी विलन के नाम पर किसी फिल्म का नाम रखा गया हो। और दोस्तों, फिल्म खलनायक एक ऐसी फिल्म थी जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर सुभाष घई ने। डायरेक्टर सुभाष घई उस टाइम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। डायरेक्टर सुभाष घई को आज भी उनकी बड़ी फिल्मों के लिए जाना जाता है, उनकी कल्ट फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब 28 साल के बाद इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल लेकर डायरेक्टर घई कैसे आ रहे हैं, यानी कि उनके दिमाग में इस फिल्म का आइडिया आखिर आया तो आया कहां से, क्योंकि कोई आम बात नहीं है 28 साल बाद किसी पुरानी फिल्म को वापस लाना। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म के सीक्वल के आइडिया के साथ भी खुद खलनायक यानी कि संजय दत्त ही आए थे। जब संजय दत्त अपनी जेल की सजा काट रहे थे तो उस वक्त पर उन्होंने इस फिल्म के फैंस को देखा। उस वक्त पर उन्हें रियलाइज हुआ कि इस फिल्म के फैंस आज यानी कि इतने साल बाद भी जिंदा है। तो उन्होंने इस चीज को एक चिट्ठी में लिखकर घई को भेज दिया और इन द एंड उस लेटर में लिखा कि क्यों ना हम इस फिल्म का सीक्वल दोबारा बनाएं। और वो दिन था और आज का दिन था कि घई इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर चुके हैं। अब दोस्तों, फिल्म 28 साल बाद आ रही है तो फिल्म में कुछ नया तो जरूर होगा, लेकिन फिल्म में पुराना क्या होगा पहले तो आप ये जान लीजिए। फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के लिए कि फिल्म में आपको दिखने वाले हैं वापस से वही पुराने तीन किरदार। फिल्म के वही पुराने तीन किरदार यानी कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ आपको वापस से इसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, फिल्म की पुरानी कहानी को ही जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसका मतलब आप सभी के दिमाग में पुरानी कहानी भी जिंदा होने वाली है। लेकिन फिल्म में हुई है एक नए एक्टर की भी एंट्री। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हो चुकी है टाइगर श्रॉफ की एंट्री। लेकिन फिल्म के किरदार तो सारे बढ़ गए, अब आखिर टाइगर इस फिल्म में कौन से किरदार में इंट्रोड्यूस होंगे, ये ही सवाल आपके मन में आ रहा है ना। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। मैं आप सभी को बता दूं कि मेकर्स ने फिल्म में यंग बल्लू इंट्रोड्यूस किया है। अब यंग बल्लू यानी कि फिल्म में हम सभी ने पुराना बल्लू तो देखा था, यानी कि हमारे संजय दत्त को फिल्म में बल्लू बना देखा था। लेकिन अब वक्त के चलते संजय दत्त जरा से ओल्ड हो चुके हैं, तो उनका किरदार हो चुका है ओल्ड बल्लू का किरदार। तो इसी वजह से फिल्म में आएगा एक नया बल्लू जो होगा यंग बल्लू, जिसे निभाएंगे टाइगर श्रॉफ। तो दोस्तों, फिल्म में हो चुकी है एक नया एक्टर की एंट्री। अब इस नया एक्टर के लिए एंटर होंगी एक नई हीरोइन भी, यानी कि फिल्म में हमें दिखने वाले हैं एक नया एक्टर और एक नई एक्ट्रेस। तो आखिर वो नई एक्ट्रेस कौन होगी, उससे जुड़ा मेकर्स ने अभी तक कोई खास जवाब नहीं दिया है। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय दत्त से जब इस सवाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फिल्म में कृति सनन को देखना चाहते हैं। तो क्या मेकर्स संजय दत्त ये वाली बात भी मान जाएंगे और फिल्म में ले लेंगे कृति सनन को? तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं और फिल्म में कौन सी हीरोइन को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।